नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में अभी भी कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनकी उपस्थिति में सुशांत सिंह राजपूत के केस में आज भी दोस्तों कई सारे बड़े खुलासे हो सकते हैं और ये पता लगाया जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत को किन लोगों ने खत्म किया, वो कौन से सबूत हैं, इनके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के घर में दोस्तों आज भी कई सारे सबूत मौजूद हैं। उनमें जो सबसे बड़ा सबूत है वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में उस दिन कितने लोग घुसे थे और सुशांत सिंह राजपूत का सीसीटीवी कैमरा काम क्यों नहीं कर रहा था, सीसीटीवी कैमरे को क्यों तोड़ा गया और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को किसने गायब किया, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के छत पर भी कहा जा रहा है कि हाथों की उंगलियां मिली हैं, इसके अलावा और भी कई तरह के निशान मिले हैं। साथ ही साथ कई लोगों ने यह भी दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में उनके छत पर एक ऐसी बेल्ट मिली थी जिससे दावा किया जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के गले को दबाया गया हो। अब ऐसे में अगर यह बात सच है तो विश्वास करिए कि सुशांत सिंह राजपूत केस में यह भी एक बड़ा खुलासा कर सकता है और पता चल सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत को किस तरह से खत्म किया गया है। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ ऐसे गवाह भी थे जो सामने निकल कर आ रहे थे और बताने को तैयार थे कि सुशांत को कैसे ख़त्म किया गया, लेकिन फिर भी क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी तक गवाहों के मुंह को बंद करा दिया गया, इसी वजह से सुशांत का केस सुलझ नहीं पाया है। तो सीबीआई की टीम को सबसे पहले इन सबूतों को खंगालना चाहिए और उसके बाद शायद सुशांत सिंह राजपूत के केस को सुलझने में ज़्यादा समय ना लगे और जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत का केस सुलझ भी जाए। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।